नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये मॉडल पेपर जीव विज्ञान का है और ये क्लास 12th के लिए है, इंटर वालों के लिए है। तो इसको जो है आप लोग देख के और जो है करने का प्रयास कीजिए। जो भी है, पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? उसके बाद से है उपदंश उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। इसके बाद से निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। इसमें से जो है इसके बाद से है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोमा तकनीकी की खोज किसने की थी? इसमें से बताना है, उत्तर भी आप लोगों को बता दिया गया इसमें, ठीक है। इसके बाद से निषेचन के बाद पादप के किस भाग से जो है फल तथा बीज का निर्माण होता है? यहाँ पे जो है बताया गया है। इसके बाद से जो है मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों को जो है बताया गया है। द्वि संकर में जो है F2PD में से प्राप्त फिनोटाइप जो है लक्षण प्रारूप बताइए। भक्षकाणु या जो है फैगोसाइट्स क्या होते हैं? जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। आयु का जो है घंटी नुमा जो है पिरामिड का जो है क्या प्रदर्शित करता है? समयुग्मी तथा विषमयुग्मी में क्या अंतर है? ग्राफियन पुटिका क्या है? अंडोत्सर्जन में इसकी क्या भूमिका होती है? जैव खाद क्या है? एक उदाहरण दो। प्रकाश का जो है पादपों पर जो प्रभाव लिखिए। बायोपायरेसी से जो है आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। राइबोसोम आरएनए पर जो टिप्पणी लिखिए। अपूर्ण जो है अप्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसको बताना है। इसके बाद से जैव प्रौद्योगिकी में देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त में जो है वर्णन कीजिए। इसके बाद रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इनमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं? विभिन्न रोगों के नाम बताइए। रोग कारक के नाम बताइए। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि रोधक का प्रयोग करते हुए अब अनिषेचन जनन को अनिषेचक अनिषे अनिषेक जनन को जो प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं तथा क्यों? स्वप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। GM फसलें क्या हैं, इनके लाभ बताइए। विभ्रमक व ओपी एड्स औषधि क्या है, उदाहरण सहित बताइए। बंध्यता क्या है, स्त्रियों में बाध्यता के कोई चार कारण बताइए। मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुप्रवाहिता जींस घातक जींस क्यों कहलाते हैं, इस पर जो है बताना है। मरुक्रमक की जो विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर जो है टिप्पणी लिखिए। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी किन्हीं चार विधियों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद से पुष्पी पादपों पर जो है पर परागण की विभिन्न युक्तियों तथा माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो है इस प्रकार जो है ये जीव विज्ञान का आपका क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, और इसको करने का प्रयास कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।